तो मैक्स की स्टोरी के बाद अब टाइम है गोस्ट की स्टोरी का। और अगर आपने मैक्स की स्टोरी नहीं देखी है तो एक बार जाके वो स्टोरी देख लो, ताकि ये स्टोरी देखने में आपको ज़्यादा मज़ा आए। वैसे चलो बाद में देख लेना, मज़ा तो आपको बराबर आने वाला है। तो इससे आगे की कहानी सुनने के लिए थोड़ा सा म्यूजिक चेंज करना पड़ेगा। अब परफेक्ट है। तो ये बात है 2017 की। मैक्स और मेरा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो चुका था, पर चीज़ें धीरे धीरे बदल रही थी। मेरे को काम के लिए यूजुअली ट्रैवल करना पड़ता था, और जब मैं घर से जाता था तो मैक्स बहुत लोनली हो जाता था। वो कई दिनों तक खाना नहीं खाता था। इसके अलावा कई बार डॉग्स ने मैक्स पर अटैक किया था, मैक्स को कई बार काट भी लिया। और मैं और मेरा भाई यही बातें करते थे कि यार मैक्स के लिए एक छोटा भाई ले आते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो यूं तलाश शुरू हुई मैक्स के भाई की। तो हमने बहुत सारे डॉग ब्रीड्स देखे, बट देन हमने फाइनलाइज किया जर्मन शेफर्ड को, क्योंकि जर्मन शेफर्ड एक शेफर्ड डॉग है और वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है। ये ब्रीड एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है पावर और इंटेलिजेंस का। सो वी स्टार्टेड टू लुक फॉर अ ब्यूटीफुल लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड। कई दिन बीत गए और फिर एक दिन ये फोटोग्राफ हमारे सामने आया। ये कौन है जानते हो? यही तो है आपका गोष्टी। तो मुझे इतना पता था कि जिस तरह का मेरा लाइफस्टाइल है, साइबेरियन हस्की मेरे लिए एक फिट डॉग नहीं है। मुझे पता था कि डॉग को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए। पर पता नहीं आपके गोष्टी बाबू ने क्या जादू किया हम पे कि सारा दिमाग ही घुमा दिया। पर कहानी में एक और ट्विस्ट कि जिस दिन हमने डिसाइड किया कि हम गोष्टी को अपने घर ले आएंगे, उस दिन आपके भाई का हो गया एक्सीडेंट और मेरे दोनों हाथ टूट गए। हाथ टूटने के बाद ये सपना भी हमारा टूट गया, क्योंकि हमें पता था एक डेढ़ महीने तक ये पपी रुकेगा नहीं और हमें तो बस यही पपी चाहिए था। फिर मैंने अपने छोटे भाई से पूछा कि क्या वो पपी ले सकता है, तो हमारे भाई को जाना था पहाड़ चढ़ने स्टोक कांगड़ी। तो एक महीने बाद जब हमने दोबारा उस बंदे को कॉल किया कि भाई को डॉगी दिलवा दे, तो उस बंदे ने बोला भैया वो पपी अभी भी है। एंड वी कुडंट बिलीव दिस कि एक डेढ़ महीने से गोष्टी वहीं पे था। डेस्टिनी जानते हो आप लोग, यही होती है डेस्टिनी। जहाँ ये डॉगीज 4 से 5 दिन के अंदर बिक जाते हैं, गोष्टी 1.5 महीने से हमारा वेट कर रहा था। और नेक्स्ट डे विदाउट वेस्टिंग इवन अ सेकेंड हमने गोष्टी को अपने घर ले आए। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब शुभ्र ने गोस्ट को अपनी गोद में पकड़ा था। कितना अमेजिंग लग रहा है ना, इसकी आइज़ देखो, मैं तो पागल हो गया था इसको देख के। पर अभी जितना शरीफ है इस वीडियो में आपको लग रहा है, भाई साहब ने 5 मिनट में अपने रंग दिखा दिए थे हमें। A few moments later. गोस्ट भाई साहब ने घर आते बता दिया कि ये कोई ऑर्डिनरी डॉगी नहीं है, और ये तो हम भी समझ गए थे कि इसको पालना कोई आसान काम नहीं होने वाला था। मुझे लगता है ये हम डायबल्स ले आए हैं कुत्ता समझ के। बस कर भाई, गोस्ट ने आते ऐसी तबाही मचाई कि इसको फाइनली हमने एक पेटी में डाल दिया, जहां पे ये चैन और सुकून से थोड़े देर बाद थक के सो गया। अच्छा, इसका नाम अभी तक गोस्ट नहीं पड़ा था, तो इसके नाम की स्टोरी भी सुन लो। तो मैं इसका नाम रखना चाहता था हंटर, और कुछ लड़कियां जो कि मेरे भाई की दोस्त थी वो इसका नाम रखना चाहती थी गोस्ट, और एक हमारा दोस्त और है मानस, वो इसका नाम रखना चाहता था प्रेजर्स। मानस तेरे बच्चे हो गए ना कभी गलती से, तो उनका नाम खुद मत रखना प्लीज। तो वैसे तो अपना भाई सख्त लौंडा है, पर यहाँ ये पिघल गया।
और इन भाई साहब का नाम पड़ा गोस्ट। गोस्ट 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 कैसे सो रहे? ओए पागल कुत्ते, आजा आजा आजा, गुड बॉय, गो आजा, गुड बॉय। गुड बॉय। क्या हुआ गोस, क्या चाहिए? ये चाहिए खाना है? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चलो गुड बाय, सेट स्टे। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। बोले ओए ओए बाहर निकल। ये थी गोस्ट की पहली फ्रेंड। मेरे बाप रे। और इसकी क्यूटनेस पे मत जाना आप, इस भाई साहब ने आतंक मचा रखा था हमारे घर पे। गोस्ट 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 देखते देखते एक महीना बीत गया और गोस्ट को हम फाइनली ले गए पिथौरागढ़, यानी कि पहाड़ों पे। और मेन कहानी शुरू होती है अब। कहा मैक्स इतना सिविलाइज्ड डॉगी और ये आ गया एकदम जंगली। इसने काट काट के मैक्स का जीना हराम कर दिया। मैक्स इतना परेशान हो गया कि ऑलमोस्ट कुछ दिनों के लिए डिप्रेशन में चला गया मैक्स। गोस्ट की हरकत देखे इनिशियली तो मुझे भी टेंशन हुई, बट इवेंचुअली दे एंडेड अप बीइंग बेस्ट फ्रेंड्स। मैक्स गोस्ट का बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह ख्याल रखता था। अ
अब ये देखो ठीक है, मैक्स श्योर नहीं है कि क्या हो रहा है, तो मैक्स ये रस्सी पकड़ी गोस्ट को साइड में लेके गया ठीक है, ताकि गोस्ट सेफ हो जाए, और अब खुद जाके देख रहा है कि क्या हो रहा है। इतना अमेजिंग है हमारा मक्का। जिस तरह गोस्ट का बचपन बीता है वो किसी भी डॉग और किसी भी डॉग पेरेंट के लिए एक ड्रीम जैसा है। कैसे दिखाऊं? तो चलो 3 2 1 हिट इट। ओए ऑफिस है ये, तमीज है तुम्हें? मैक्स क्या हो गया तेरे को? अब किसी करने लगे तुम लड़ाई करने के बाद? गोस्ट के आने के बाद मेरी और मैक्स दोनों की लाइफ पूरी चेंज हो गई थी, पर सबसे बड़ा चेंज आना भी बाकी था। तो एक दिन हुआ क्यों कि मैं नॉर्मली अपना इंस्टाग्राम सर्व कर रहा था एंड आई केम अक्रॉस दिस ब्यूटीफुल हैंडल कॉल्ड लोकी। देखो लोकी, लोकी का चैनल देख के आई गॉट ऑस्ट्रक। द पिक्चर्स वर ब्यूटिफुल एंड मोर देन द पिक्चर्स द लाइफ, इट वॉज जस्ट लाइक अ ड्रीम। लोकी का हैंडल देख के मैंने सोचा कि साला ये तो मैं भी कर सकता हूँ। भाई देखो, मैं हिमालयस के पास रहता हूँ ठीक है, मेरे पर लोकी जैसे ब्यूटीफुल बेबी है, गोस्ट साथ में मैक्स भी है, और ये जो एडवेंचर्स हैं मेरी लाइफ में मिसिंग थे, मेरी लाइफ में जो ये थ्रिल ये एक्साइटमेंट मिसिंग थी। और देखो, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है आपके भाई का, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बट आई न्यू दैट आई वॉज केपेबल ऑफ टेकिंग सच पिक्चर्स, इवन बेटर पिक्चर्स। सो मैंने पूरा दिन सोचा, क्योंकि मेरे को था कि भाई एक बार कमिटमेंट कर ली तो बस कर ली। और पूरा दिन सोचने के बाद रात को आई केम बैक होम, आराम से बैठा एंड आई क्रिएटेड दिस पेज कॉल्ड द हिमालयन हस्की, जिसको आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हो। एंड बस यही थी हमारी स्टोरी, मैं, मैक्स, गोस्ट, द हिमालयन हस्की। एक छोटी सी बात और बताता हूँ आपको,
जब मैंने पेज बनाया था द पिक्चर्स वर ब्यूटीफुल, आई न्यू द पिक्चर्स वर अमेजिंग, बट कोई रिस्पांस नहीं आता इंस्टाग्राम पे, बिकॉज जब शुरू करते हो स्टार्ट करते हो तो एकदम से रिस्पांस नहीं आता है. 30-40 लाइक्स आते थे एंड देयर वाज दिस टाइम जब मुझे लगा यार क्या कर रहा हूँ मैं, आई एम एन आर्किटेक्ट और मैं ये सब क्या करने पड़ गया हूँ. और उस दिन मॉर्निंग में एक लड़की का मुझे मैसेज आया जिसने मुझे बोला कि वो उसको डिप्रेशन है और हर मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग शी लुक्स फॉरवर्ड टू सी गोस्टी इन मैक्सीज पिक्चर, और अगर पिक्चर 10 मिनट भी लेट हो जाती है तो उसको एंग्जाइटी होने लगती है. बस वो ऐसा मोमेंट था मेरी लाइफ में, मेरे को लगा यार जो मैं छोटी सी ये चीज़ कर रहा हूँ क्या ये इतनी वैल्यू रखती है किसी की लाइफ में. और बस उसके बाद देर वॉज नो लुकिंग बैक एंड देन आ पेज स्टार्टेड टू ग्रो. एंड देन जब हम दारमा वैली गए इट एक्सप्लोडेड. दारमा वैली के बाद इट जस्ट एक्सप्लोडेड. सो दैट्स अबाउट इट गाइज. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों, प्लीज़ सब्सक्राइब. एंड बस नहीं भी करोगे तो चलेगा यार, इट्स ओके. सो बाय, हैव फन, लव यू ऑल. वो थोड़ा सा भावनाओं में बह के बोल देता कि नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट प्लीज़ कर दो. ओके बाय.